कुर्बान, हीर और जमाल, एक सच्ची प्रेम कहानी। मुंबई की व्यस्त सड़कों पर अराजकता और शोर के बीच एक प्रेम कहानी मौजूद थी जो समय और स्थान से परे थी। आसमान जैसे बड़े सपनों वाला एक युवा और महत्वाकांक्षी व्यक्ति कुर्बान ने एक टैक्सी ड्राइवर के रूप में अथक परिश्रम किया। हीर एक खूबसूरत और दयालु महिला शहर के मध्य में फूलों की एक छोटी सी दुकान चलाती थी। और फिर जमाल एक आकर्षक और धनी व्यापारी था जिसके पास वह सब कुछ था जो पैसे से खरीदा जा सकता था। कुर्बान की हीर से पहली मुलाकात तब हुई जब वह अपनी माँ के जन्मदिन के लिए फूल खरीदने के लिए उसकी दुकान पर रुका। उनकी नजरें मिली और उस पल उन्हें पता चला कि उनका साथ होना ही तय था। हीर कुर्बान की सादगी और ईमानदारी से प्रभावित होकर सभी बाधाओं के बावजूद उसके प्यार में पड़ गई। हालांकि उनका प्यार चुनौतियों से रहित नहीं था। जमाल जो अक्सर हीर की दुकान पर जाता था उसकी सुंदरता और सुंदरता से आकर्षित हो गया था। उसका दिल जीतने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर उसने उसे लुभाने के लिए अपने धन और प्रभाव का इस्तेमाल किया जिससे कुर्बान को काफ़ी निराशा हुई। उसने उसे महंगे उपहार और शानदार रात्रि भोज दिए। उसे समझाने की कोशिश की कि वह बेहतर विकल्प था लेकिन हीर का दिल कुर्बान का था। वह उसके प्रति उसके शुद्ध प्रेम की प्रशंसा करती थी। वह जानती थी कि कोई भी दौलत या विलासिता कुर्बान के लिए उसके प्यार की जगह नहीं ले सकती। जैसे जैसे समय बीतता गया जमाल के प्रयास और अधिक निराशाजनक होते गए जबकि कुर्बान का हीर के लिए प्यार और भी मजबूत होता गया। हीर कुर्बान के लिए अपनी भावनाओं और जमाल की लगातार प्रगति के बीच फंसी हुई थी। उसने खुद को एक चौराहे पर पाया। वह जानती थी कि उसे एक ऐसा विकल्प चुनना होगा जो उसके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। आखिर में हीर ने कुर्बान को चुना। उसे एहसास हुआ कि सच्ची खुशी खरीदी नहीं जा सकती और उसने कुर्बान के साथ जो साझा किया वह दुनिया की सभी दौलत से अधिक मूल्यवान था। साथ मिलकर उन्होंने साहस और दृढ़ संकल्प के साथ जीवन की चुनौतियों का सामना किया। यह जानते हुए कि जब तक वे एक दूसरे के साथ हैं वे किसी भी चीज़ पर काबू पा सकते हैं। और इस तरह कुर्बान, हीर और जमाल की कहानी मुंबई की सड़कों पर एक किंवदंती बन गई। सच्चे प्यार की एक कहानी जिसने आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित किया। उन्होंने साबित कर दिया कि प्यार की कोई सीमा नहीं होती और यह ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली शक्ति है। तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे आपसे ऐसी और एक नई कहानी के साथ। अगर यह कहानी पसंद आई है तो उसको लाइक करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करके इसकी बेल आइकन दबा सकते हैं ताकि आप तक हमारी नेक्स्ट वीडियो आसानी से पहुंच जाए और आप उसको आसानी से देख सकें। सो थैंक यू।